Now we have different solution to the maintenance problems, budget and effort reallocation, complete replacement of the system or maintenance of the existing system. Means कभी कभी क्या होता है हमारे सिस्टम में लाइक एक ऐसी रिक्वेस्ट आई है कि आपको पूरा का पूरा सिस्टम रिप्लेस करना है, या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं, या फिर आपके अपने सिस्टम का बजट और एफर्ट रीएलोकेट करना है. अगर आप बजट और एफर्ट रीएलोकेट करना चाहते हैं तो आपको पूरा स्ट्रक्चर ही सॉफ्टवेयर का रीड करना पड़ता है बिल्कुल स्क्रैच से, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि मेंटेनेंस के लिए आपने बजट और एफर्ट की रीएलोकेशन की है. ठीक है, नाउ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस इज जनरली यू कैन सी इन दिस डायग्राम. फर्स्टली वी विल डिटरमाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव्स इन द फर्स्ट फेज, एंड मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमिनेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव विल इंक्लूड करेक्ट द प्रोग्राम एरर, एड न्यू कैपेबिलिटीज, डिलीट ऑब्सोलीट फीचर्स, ऑप्टिमाइजेशंस इन द फर्स्ट फेज. देन इट गोज टू प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग वेयर वी अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व, डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, सेल्फ डिस्क्रिप्टिवनेस. सो प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग इज द मेन फेज आफ्टर डिटरमाइनिंग द डिफरेंट मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव. एंड वेन द मेंटेनेंस पर्सनल अंडरस्टैंड द प्रोग्राम देन ही और शी विल जनरेट द पर्टिकुलर मेंटेनेंस प्रपोजल, एंड दैट मेंटेनेंस प्रपोजल इज देन अकाउंटेड फॉर रिपल इफेक्ट. रिपल इफेक्ट हम बोलते हैं लाइक आपने इस सॉफ्टवेयर के किसी एक पार्ट में चेंज किया है और उस पार्ट में चेंज करने की वजह से आपके सॉफ्टवेयर के बाकी पार्ट्स पे क्या इफेक्ट आया है. देन वी विल अप्लाई द टेस्टिंग टेक्निक, एंड इफ द टेस्टिंग टेक्निक इज पास्ड देन कंप्लीट वी मूव टू द कंप्लीशन ऑफ द मेंटेनेंस, एंड इफ द टेस्टिंग इज नॉट पास देन वी अगेन गोज इन टू द मेंटेनेंस साइकिल. So now, here I have explained all different type of phases. You can go through these, but there is some main property we have already read about it during the software requirement specification, non-functional requirement like maintainability. So maintainability, each of these four phases and their associated software quality attributes are critical to the maintenance process, and all these factors must combine to form maintainability. मेंटेनेबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन द सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो ये जो हमने अभी फेसेस पढ़े हैं, प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग, मेंटेनेंस प्रपोजल जनरेशन, रिपल इफेक्ट एंड मॉडिफाइड प्रोग्राम टेस्टिंग, ऑल दीज फोर फेसेस विल कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द एबिलिटी ऑफ द मेंटेनेंस. सो देर आर वेरियस काइंड ऑफ मेंटेनेंस मॉडल लाइक क्विक एंड फिक्स मॉडल वेयर द प्रॉब्लम इज फाउंड एंड then we will try to fix that particular problem as soon as possible. Now another one model, iterative enhancement model, where analysis is done, then characterization of the proposed modification, and then redesign and implementation. All these activities needed to be applied in the an iterative enhancement model. Isko iterative enhancement model hum isliye bolte hain kyunki ye repetitive hai. Jab tak aapke software ka enhancement nahi ho raha आप उसको रिपीटेडली अप्लाई कर सकते हैं. सो वी एनालाइज द एग्जिस्टिंग सिस्टम, कैरेक्टराइज द प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन, वी रीडिज़ाइन द करंट वर्जन एंड देन इम्प्लीमेंट इट. सो इट इज़ अ थ्री स्टेज साइकिल ऑफ द आइटरेटिव इन्हांसमेंट. नाउ अनदर मॉडल इज रीयूज ओरिएंटेड मॉडल. दिस मॉडल हैज़ फोर मेन स्टेप्स. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द ओल्ड सिस्टम दैट आर कैंडिडेट फॉर रीयूज. वी विल फर्स्टली आइडेंटिफाई those parts in our previous system that we want to modify. After the identification of those parts, we will try to understand those parts, and then modification of the old system parts appropriate to the new requirements. अपनी नई requirements के according जिन old parts को हमने identify किया है उनमें modification करेंगे, and then integration of the modified parts into the new system. So जिन पुराने पार्ट्स को हमने मॉडिफाई किया है अब उसको नए सिस्टम में हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे. लाइक ओल्ड सिस्टम, दिस वन इज़ द न्यू सिस्टम एंड हेयर इज़ द कंपोनेंट लाइब्रेरी. सो ओल्ड सिस्टम की रिक्वायरमेंट एनालिसिस, नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन. सो देयर इज़ अ वन टू वन मैपिंग बिटवीन द ओल्ड सिस्टम एंड न्यू सिस्टम. नाउ अनदर मॉडल इज़ बोहेम मॉडल. दिस मॉडल इज़ प्रपोज्ड फॉर द मेंटेनेंस प्रोसेस बेस्ड अपॉन इकोनॉमिक मॉडल एंड प्रिंसिपल. So Bohem represent the maintenance process as a closed loop cycle as I have shown here in the diagram.
management decisions than approved changes. Those changes which are approved by the committee will only need to be implemented. Then change implementation, new version of the software, then evaluation is done, and then the proposed changes are compared to the approved changes, and then finally the management will take the decision. So it is a closed loop. यहाँ पे कोई भी personal आके उनको change नहीं कर सकता. कुछ changes propose किए गए हैं, कुछ approve किए गए हैं, तो उन वो सिर्फ एक closed team के बीच में ही circulate करती है. Next is TOTE maintenance model. This type of maintenance model has 8 phases in cycle fashion, like change request, then estimate, then schedule, then program, then test, then documentation, then release, then operation, and then again change request. So it is one of the most famous maintenance model, which firstly accept the change request jo user ne originate ki hai, फिर उस पर्टिकुलर चेंज रिक्वेस्ट का कि हमें अपने सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस करने हैं उसका एस्टिमेट किया जाता है. देन द मेंटेनेंस एक्टिविटी विल बी शेड्यूल्ड, फिर उसके लिए प्रोग्रामिंग एंड देन टेस्टिंग एंड देन डॉक्यूमेंटेशन, एंड आफ्टर द डॉक्यूमेंटेशन फाइनली जो नया वर्जन चेंजेस करने के बाद डेवलप हुआ है उसको रिलीज किया जाता है, एंड देन द ऑपरेशनल स्टेज. सो ऑल दीज फेसेस बिलोंग्स टू द अर्लियर maintenance model. So now we will move to regression testing in case of software maintenance. So regression testing is the process of retesting the modified parts of the software and ensuring that no new errors have been introduced to the previously test code. So regression testing तब की जाती है जब भी सॉफ्टवेयर में आप कोई चेंज कर रहे हैं तो उस चेंज को करने की वजह से किसी और मॉड्यूल पर कोई फ़र्क तो नहीं आया है. तो regression testing is one of the most important testing techniques which test both the modified code and other parts of the program that may be affected by the program change. So it increases the confidence in the correctness of the modified program, it locates the errors into the modified program, it preserves the quality and reliability, and it ensures the software's continued operation. So what is the difference between the normal development testing and the regression testing? In case of development testing, we create test cases and test plans, but in case of regression testing, we make use of existing test suite or plans. In case of development testing, we test all software components, but regression में हम सिर्फ उन्हीं को check करते हैं जो एक particular change की वजह से affect हुए हैं. So budget give time for testing, but budget often does not give time for regression testing. It must be adjusted according to the already decided schedule. So we perform the testing. Fourth point, in case of development testing, we perform testing just once on a software product. Testing एक बार आप apply करते हैं, but regression testing जितनी बार भी software में कोई maintenance की जाती है उतनी बार regression testing apply की जाती है. Fifth point, performed under the pressure of release date of software. आपको पता है सॉफ्टवेयर का टाइम डिसाइडेड है, उससे पहले पहले आपको वो टेस्टिंग कंप्लीट करनी है और सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करना है. बट इन केस ऑफ क्राइसिस सिचुएशन या ग्रेटर टाइम कंस्ट्रेंट, जनरली रिग्रेशन टेस्टिंग इज़ अप्लाइड व्हेन देर इज़ अ मेंटेनेंस अंडरगोइंग एंड द सॉफ्टवेयर इज़ मिसबिहेविंग ड्यू टू अंडरगोइंग चेंजेस. सो एट दैट टाइम रिग्रेशन टेस्टिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर. सो दिस इज़ ऑल for today's lecture. I hope you all understand about the maintenance. So maintenance is one of the most important activity applied during the software engineering phase, and in the next lecture we will discuss different techniques of testing that remains uncovered. Thank you, students.